या प्रीतम के भोग लगाने योग्य है? यह व्यवस्था तो आपके लिए है कि वस्तु श्री जी को निवेदन हो जाए, उनकी दृष्टि पड़ जाए, उनके आभा मंडल में आ जाए, उनके श्री चरणों के निवेदन स्वरूप प्रसाद हो जाए। बिना अर्पित पाओगे, बिना अर्पित पाओगे तो तन और मन दोनों में मल होगा, तन में भी मल और मन में भी मल। और अर्पण करके पाओगे तो तन और मन दोनों निर्मल होगा, तन भी निर्मल और मन भी निर्मल। नागरी दास जी कहते, मन जो विचार परे रहे और चित्त रमीले रूप, देह लगे ढिंग भजन के, ये रसिकन गैल अनूप। पहुंचा दिया प्रिया प्रीतम के कि नित्य सेवा में, निज सेवा में श्री छबील दास जी को किसने एक पान की भी टिकाने। जैसे कल व्यास जी गाए ना कि एक पकौड़ी सब जग छूटो, एक पकौड़ी, वो जग का जंजाल जो महीनों से पीछे लगा था, छूटने की आशा नहीं थी, एक पकौड़ी सब जग छूटो, ऐसे एक पान की भी टिका श्री प्रिया जी के निज सेवा में, प्रिया जी के नित्य सेवा में पहुंचा दिया। महाप्रभु जी के संग आए थे श्री बीठल दास जी, वो महाप्रभु के संग ही आए थे, जिनका निर्णय था, जिनका निश्चय था कि महाप्रभु के दर्शन के बिना नहीं रहना। उनका नियम है कि महाप्रभु के श्री चरणों के दर्शन से अपने दिन का आरंभ करना है, महाप्रभु के उच्छिष्ट से ही अपना पेट भरना है। आप कल कह रहे थे ना, आपकी और मेरी कल बात हो रही थी कि किसी ने पूछा, बोले आपके यहां पर कोई व्रत नहीं होता। हमारे यहां व्रत तो होता है, पर भैया वो निभाने के लिए प्रेम पंथ ऐसो कठिन, सब कोई निभत ना है। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता, यहां ऐसा व्रत होता है। बीठल दास जी का नियम है कि महाप्रभु के श्री चरणारविंद का दर्शन करके ही अपने अपने दिवस का आरंभ करना है, और यदि क्षुधा है, पिपासा है, पान करना है, खान करना है, तो क्या गुरुदेव का उच्छिष्टामृत ही पाना है। यह व्रत है जिसे प्राणपन से निभाया जाता है, जिसका निर्वाह किया जाता है। अब भाई कोई हमें ठीक माने कि न माने, प्रीति न काहू की कान बिचारे, मारग अपमारग बिथकित मन को अनुसरत निवारे, प्रीत न काहू की कान बिचारे। सो महाप्रभु जी के संग आए देवबन से, योग्य थे, गुरु निष्ठ, सदाचारी, सब गुण, सर्व गुण संपन्न, भक्ति स्वतंत्र, सकल गुण खानी। भगवत भक्ति अपने साथ समग्र गुणों को लेकर आती है, और न भी लाए तो सब गुण, सब गुण भक्ति महारानी की सेवा के लिए अपने आप आकर विराजमान हो जाते हैं। भक्ति स्वतंत्र, सकल गुण खानी। महाप्रभु जी के संग वृंदावन का वास, प्रिया प्रीतम के रूप रस का पान, निस दिन गान, रूप माधुरी को पान, उर अंतर सिहान, एक काम श्यामा श्याम सो। नवल घन श्याम वर, नवल वर राधिका, नवल नव कुंज नव के ठानी, नवल कुसुम नवल कुसुम नवल सिद्धारथि, नवल को नवल वीणामृदम, नवल स्वर तान, नव राग गानी, नवल गोपीनाथ हित, नवल रस
निस दिन गान और रूप माधुरी को पान। अब प्रारब्ध कह लीजिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि भक्त के जीवन में जब जब प्रतिकूलता आती है, साधु के जीवन में जब जब प्रतिकूलता आती है, तो वह भजन का सुख बढ़ाने के लिए ही आती है। श्री ठाकुर जी के श्री चरणाश्रित हो जाने के बाद जीव कर्म के बंधन में बंधा नहीं रहता। हमारे चाचा श्रीहित वृंदावन दास जी तो करुणा वेली में कहते हैं, कर्मन के बस तुव जन होई। बोले प्यारे, अगर तुम्हारा निज जन भी कर्म के बस में रहे, कर्मन के बस तुव जन होई, तो तुव भजन करे क्यों कोई? बोले फिर कोई आपका भजन क्यों करे? और जो तुम कहो कर्म तुम खोटे, यदि आप मुझे ये उत्तर दो कि आपका कर्म खोटा है, जो तुम कहो कर्म तुम खोटे, तो तुम किस विधि हो मोटे? बोले आप बड़े किस लिए हैं फिर? तो भजन के मार्ग पर चलने के बाद, गुरु चरणों में समर्पित हो जाने के बाद, यदि जीवन में कोई प्रतिकूलता आई है, आ रही है या आएगी, तो निश्चित रूप से आपके भजन भाव को पुष्ट करने के लिए आएगी। एक नन्हे से बालक को जब कोई ऊपर उछालता है ना, तो बालक डरता नहीं, रोता नहीं, बालक खिलखिलाता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मुझे थामने के लिए, मुझे संभालने के लिए कोई है। ऐसे आपके जीवन में जब राह थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होने लगे, जब आपको लगे कि कहीं आप भ्रमित ना हो जाएं, आप भटक ना जाएं, भूल ना जाएं, घबराना नहीं। कबीर तो कहते हैं, सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी इस दुख के जो पल पल नाम रटाए, पल पल नाम रटाए। हमारा यार है हमने, हमन को दुनिया से यारी क्या। संसार की ओर मत देखना, अपने चित्त में कोई आग्रह भी मत रखना, संशय तो आने ही नहीं देना, संशय आत्मा विनश्यति। तो प्रारब्ध कह लीजिए या श्री जी की इच्छा कह लीजिए, जूनागढ़ के राजा ने अपने प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करना चाहा बीठल दास जी को, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करना चाहा। योग्य थे, कर्मठ थे, सदाचारी थे, भक्त थे। राजा उनके गुणों पर मोहित था, उनसे बहुत प्रभावित था कि ऐसा व्यक्ति यदि राजकार्य संभालता है तो प्रजा के सुख की वृद्धि होगी। श्री महाप्रभु जी के श्री चरणों में बैठे थे, संध्या का समय था, वासंती सुषमा से वृंदावन सुसज्जित, शुक पिक कोकिल अपने सरस स्वरों से प्रियालाल के यश का गान कर रहे हैं। मेघ गरजता है, मानो मयूर से पूछता है, पढ़री मैना कछु राधा को जस, अरे तू शुक बरन मोहन रस बतिया। और एक एक सहचरी मनो निवेदन कर रही है आज श्री प्रिया जी से, देख बन की मात्रा दे, देख बन मगर सवा।
राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में पिचकारी चलेगी। हमारे यहां फागुन को क्या कहा जाता है? मदन महोत्सव आज सखीरे विदा भयो हे मन और राग सब बने बरा और राग सब बने बराती दूला राग बसन मदन महोत्सव आज सखी मदन महोत्सव आज सखी विदा ने आकर सूचना दी, मदन टेर पर श्री बीठलदास जी बैठे हैं श्री महाप्रभु जी के श्री चरणों में। अद्भुत समाज का गान हो रहा है, छके हैं सब प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी में। किसी ने आकर सूचना दी कि जूनागढ़ के राजा के यहां से संदेश आया है। बीठलदास जी का हृदय कांप गया, कुछ अनहोनी किसी आशंका हो रही है बीठलदास जी को। संदेश पढ़ा गया कि राजा साहब आपको अपने प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करना चाहते हैं। रो पड़े विठल दास जी महाप्रभु के चरणों में मस्तक रख के, बोले प्रभु मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ जो आप अपने अपने श्री चरणों से बिलख करना चाहते हैं। मैं किसी भी स्थिति में
मैं वृंदावन का परित्याग करके नहीं जाऊंगा। ये संसार, ये सुख, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये तो मुझे जन्म जन्म मिलती आई है। आपके इन चरणों का सानिध्य, वृंदावन का वास, राधा वल्लभ लाल की रूप माधुरी का पान, बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप। मानुष तन, वृंदावन और आपके संग, आपके संग युगल के रूप का दर्शन, ये बानक कब बनेगा? जो मेरे पास में है, जो मेरी सांसारिक योग्यता है, वो तो मुझे जन्मों से मिली है, मिलती रहेगी, ये अवसर फिर नहीं आएगा। हे कृपानाथ, आपके चरणों का परित्याग करके नहीं जाऊंगा, इन चरणों से विमुख होकर जीवन धारण नहीं कर सकता मैं। आप देखिए कि कितना आग्रह रहा है रसिक जनों का वृंदावन के वास के लिए, कितना आग्रह कि खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, फिर वृंदावन मत छाड़िए। जो पे हित कृष्ण दास, प्रभु सीमा तज बाहर हुई, तो हूं ना जाऊं यह सांची मनमानी को, रहो कुंज द्वार, दो खेलत सुकुमार, जहां झलमलात वृंदावन वृंदावन रानी को। लेकिन महाप्रभु बड़ी विचित्र आज्ञा देते हैं कि बीठल दास, तुमने इस पद को, तुमने इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, इसलिए मुझे लगता है ये तुम्हारा प्रारब्ध है, इसको प्रसन्न मन से स्वीकार कर लो, इसी में तुम्हारा हित है। एक बड़ा गूढ़ रहस्य छिपा है महाप्रभु के इस आज्ञा में कि जो प्रारब्ध है उससे कभी उलझने का प्रयास मत करना, उस पर, उसके लिए कभी श्री ठाकुर जी पर आक्षेप भी नहीं करना। जीव की तो क्या है ना, सहज गति ये है कि देखो कोई उपलब्धि हो जाए, कोई उपलब्धि हो जाए तो सारे संसार में उसका गान है, और जरा सी कोई प्रतिकूलता जीवन में आ जाए, नेक सा कोई कष्ट आ जाए तो हाय राम तूने क्या किया। जबकि संत की दृष्टि से देखिए तो संत कहता है मोसो ना बिगारवे को और तोसो ना संवारवे को। संत तो कहता है जिस तन दियो ताही बिसरायो, ऐसी नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी। महाप्रभु तो कहते क्वाहम तुच्छः परम अधमः, प्राण्य हो गर्वकर्मा, यत्तम नाम स्मृति महिमा एष वृंदावनस्य, महिमा एष वृंदावनस्य। तो प्रारब्ध आए तो उसको प्रसन्न मन से स्वीकार करना, क्योंकि वो किसी और का किया या किसी और का दिया नहीं है। सुनो राव, दुख सुख अपकृत ही पाइए, काहू को ना दोष न मन पछताइए। एक और कर्म का बंधन मत बांध लेना किसी पर आक्षेप करके, किसी को अपने दुख का हेतु जानकर और बंधन गाढ़ा मत कर लेना। हो सके तो अब की बार तो इतना ही, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। रो रहे हैं बीठल दास जी गाते गाते, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे। हाँ बलि जाऊं रमैया तोरे, बलि जाऊं रमैया तोरे, कब ये नैन तोहे देखे, ये जन्म तुम्हारे। बहुत जन्म बिछड़े थे माँ, ये जन्म तुम्हारे लेखे।
ये जन्म तुम्हारे। कृपानाथ इन चरणों से बिलग मत करिए। संगत साधु वृंदावन कानन तुव गुण गानन मांज बिहाई छवि कंज चरण तिहारे बसों बस देहू यही ध्रुव को ध्रुव ताई। ऐसी करो नवलाल रंगीले जो चित्त न कहूं और ललचाई। महाप्रभु ने कहा कि विठल दास मुझ पर भरोसा है, विठल दास जी कहने लगे महाराज आप पर भरोसा नहीं, मेरा भरोसा ही आप हैं, आप ही मेरा साधन है, आप ही मेरा बल है, आप ही मेरा जप तप है, आप ही मेरा सर्वस्व है, मेरा सर्वस्व आप हैं। मैं तीर्थ व्रत ना करूं अदेसा तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। मैं जहां जहां कैसी है जिसे एक एक पक्षी का शावक जो अभी अभी संसार में आया है, दाना लाती भी मां है, सन्मुख रख दे तो उठाकर मुख में डालने की समर्थ भी नहीं है, जिसकी मां ही अपनी चोंच से दाना डाल देती है और उस मृग उस पक्षी के शावक का आहार हो जाता है। मैं अपना मन हरि सो जोर, हरि सो जोर सबन सो तोर। महाप्रभु कहने लगे यदि मुझ पर भरोसा है तो जाओ स्वीकार कर लो इस प्रारब्ध को, विश्वास रखना जहां जाओगे वृंदावनेश्वरी तुम पर अपनी सदा कृपा रखेंगी, सहज कृपा रखेंगी। इतना सा भी आग्रह, इतने से आग्रह के लिए भी स्थान नहीं है इस उपासना में, इतना सा भी आग्रह नहीं। जही जोनि जन्मों कर्म बस तहां राम पद अनुराग, धर्म न अर्थ न काम रुचि और गति न चहूं निर्वाण। तत्र तत्र राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। जाओ विठल दास स्वीकार कर लो इस प्रारब्ध को, मुझ पर भरोसा है तो निर्भय रहो, श्री स्वामिनी जी तुम पर अपनी सदा कृपा रखेंगी। आपका उच्छिष्ट लेने का मेरा व्रत है, आपके दर्शन से मेरे दिवस का आरंभ होता है, यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपका एक चित्र बनवाकर अपने साथ ले जाना चाहता हूं। महाप्रभु ने सहर्ष स्वीकृति दे दी। ये आज महाप्रभु के जिस चित्र का आप हम दर्शन करते हैं ये विठल दास जी की कृपा है, उनकी कृपा से ये दर्शन प्रसाद सुलभ हुआ हमको। चल तो दिए विठल दास जी, लेकिन मैं जब कभी इस कथा का चिंतन करता हूं तो सबते सेवक धर्म कठोरा, सेवक का धर्म सबसे कठिन है,
सेवा का पन लिया विठल दास जी ने, निर्वाह कैसे, क्या महाप्रभु के दर्शन के बिना, जिसे महाप्रभु का सतत सानिध्य मिला हो, महाप्रभु की सहज कृपा दृष्टि जिस पर अगाध अबाध बरसती रही हो, उसके लिए महाप्रभु से दूर रह पाना कैसे संभव रहा होगा। इसीलिए प्रेम को पंथ करार महा, तरवार की धार पे धावनो है। सखी प्राण दिए ये प्रेम ना पाइए, प्राण दिए ये प्रेम ना पाइए। क्या विठल दास जी के मन की स्थिति रही होगी जाते हुए वृंदावन से, और रसिक तो ये कहते हैं कि विठल दास जी का हृदय जितना भारी था उससे कहीं अधिक आकुल व्याकुल थे स्वयं श्री महाप्रभु जी, उसे कहीं अधिक व्याकुल थे। जीव अपनी सामर्थ्य से प्रेम करता है, प्रभु अपनी सामर्थ्य से करते हैं। मैं अपना मन हरि सो जोरो, हरि सो जोरो, सबन सो सोरो, मोहे मन क्रम बचन तुम्हारी आशा ऐसी बाती तरे रदासा, मैं जहां जहां जाऊं तुम्हारी से साची प्रीत जो तुम तो जोड़ी, तुम तो जोड़ी, सबर तो जोड़ी। मैं तीर्थ व्रत जा पहुंचे जूनागढ़, राजकाज संभालने लगे। जैसा मैं अभी निवेदन कर रहा था ना, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, श्री ठाकुर जी की भक्ति जिस हृदय में होगी उसमें अन्य सब सद्गुण अवश्यम भावी विराजमान होंगे, निश्चित रूप से आएंगे। इसीलिए जीव का परम धर्म केवल एक ही है, दो नहीं, कि ये जन्म ये जीवन पाकर किसी भी प्रकार येन केन प्रकारेण साधन में प्रवृत्त हो और भगवत चरणारविंद के अनुराग को प्राप्त करने का प्रयास करे, प्रयासरत रहे। ये प्राणी मात्र का धर्म है, जीव मात्र का। तो बड़ी निपुणता से अपने कार्य का निर्वाह किया विठल दास जी ने। राजा बड़ा प्रसन्न रहता था उनसे। एक बार राजा के मन में श्री द्वारिकाधीश का दर्शन करने की इच्छा हुई, अपने लाभ लश्कर के साथ चला राजा। विठलदास जी प्रधानमंत्री थे, वो भी गए। राजा विठलदास जी का बड़ा सम्मान करता था, राजा विठलदास जी का बड़ा आदर करता था, और राजा के मन में विठलदास जी के प्रति ये आदर और सम्मान देखकर अन्य कुछ लोग, कुछ निंदक, कुछ द्वेषी, वो विठलदास जी से अकारण ईर्ष्याग्रस्त रहते थे। ये तो खैर भक्त की व्यवस्था है, भगवान करके भेजते हैं। भक्त संसार में रहेगा तो कबीरा जग में हितुआ तीन है, निंदक माई बाप। कबीर जी कहते बोले हित करने वाले तीन है, माता पिता और निंदक। जितना आपका हित आपका निंदक करता है उतना कोई नहीं करता। रसिक जैसे कहते हैं ना, मोए सदा राखो निज रसिकन के संग में,
ऐसे कबीर जी कहते प्रभु एक आधा निंदक भी साथ लगे रहना चाहिए, ठोका पीटी करता रहता है वो उछलने नहीं देता, रहना चाहिए, निंदक नीरे राखिए। और कबीर जी की करुणा तो बड़ी विचित्र है, वो करे आंगन कुटी छवाए, बोले तो अपने घर में ही रख लो, पास रखो सदा आसपास। वो मल धोवे हाथ से, ये मल धोवे आप, जग में हितुआ तीन निंदक माई वाह। तो भीठलदास जी का नियम है, वो अपने अपनी गुरु परिपाटी से श्री महाप्रभु जी की रीति से अष्टयाम सेवा करते हैं, उसके बाद राजा की सेवा में उपस्थित होते हैं। चार पहर लगते थे उनको अपने नित्य के भजन में, वो करते हैं। और कैसा जीवन है, दो गाड़ी लगी हैं जूनागढ़ से वृंदावन के लिए, प्रधानमंत्री हैं, धन की कमी नहीं है, लेकिन जो मिलता है अपने कार्य के बदले उन्हें, वो सब धन व्यय करते हैं कैसे, केवल अपने गुरु का उच्छिष्ट पाने के लिए। दो गाड़ियां नित्य प्रति लगी रहती हैं, जूनागढ़ से वृंदावन और वृंदावन से जूनागढ़, महाप्रभु जी का उच्छिष्ट पहुंचता है तो भोजन करते हैं, श्री महाप्रभु जी का चरणामृत पान करके ही उनके दिवस का आरंभ होता है। जो जो प्राप्त हुआ है सब न्यौछावर किया है श्री गुरु चरणारविंद पर, गुरु का कृपा प्रसाद पाने के लिए। आप भी प्राप्त वस्तु का साधन समझ के उपयोग करोगे तो कल्याण होगा, मार्ग का अवरोध हट जाएगा, और आप प्राप्त संपत्ति का उपभोग करोगे तो पतन हो जाएगा। संपत्ति का उपयोग कर लो तो भजन है, उपभोग कर लो तो पतन है। तो ऐसा अद्भुत निष्ठायुक्त जीवन जी रहे हैं। द्वारिकाधीश पहुंचे, सब लोग द्वारिकाधीश का दर्शन करने गए, श्री बीठलदास जी नहीं गए। अब जो धर्माधिकारी थे, जो ब्राह्मण आदि थे, जो निंदा करते थे बीठलदास जी की, द्वेष करते थे, ग्रसित थे जो ईर्ष्या से, उनको एक अवसर मिल गया राजा के सन्मुख बीठलदास जी की निंदा करने का। बोले आप तो इनको बड़ा महात्मा समझते हैं, आप तो कहते हैं कि ये बड़े धर्मपरायण हैं, क्या कोई धर्मपरायण व्यक्ति ऐसा होता है कि प्रभु की नगरी में आकर, वो द्वारिका में आकर द्वारिकाधीश का दर्शन करने नहीं गया। वो ध्यान से सुनना, समझने का विषय है कि वो द्वारिका आकर द्वारिकाधीश का दर्शन करने नहीं गया। राजा ने बड़े आश्चर्यचकित मुद्रा में पूछा कि क्या सच में बीठलदास जी द्वारिकाधीश का दर्शन करने नहीं गए? आप बीठलदास जी से ही पूछ लीजिए। राजा को थोड़ा क्रोध भी आया कि बीठलदास जी महात्मा हैं, धर्मपरायण व्यक्ति हैं, सदाचारी हैं, और सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री हैं। महाजनो येन गता सुपंथा, एक महत व्यक्ति जिस मार्ग का अनुसरण करता है उसको देख देख के कितने लोग उस मार्ग पर चलते हैं। तो बीठलदास जी ने तो ये बिल्कुल ठीक नहीं किया यदि उन्होंने द्वारिकाधीश का दर्शन नहीं किया। तो पहले तो राजा को भरोसा नहीं हुआ, भरी सभा में बीठलदास जी को प्रस्तुत होने का आदेश दिया गया। बीठलदास जी आकर प्रस्तुत हुए। राजा ने कहा कि क्या यह सत्य है कि आप द्वारिका जाकर भी श्री द्वारिकाधीश का दर्शन नहीं किए? बीठलदास जी ने कहा जी महाराज बिल्कुल सत्य है। राजा ने कहा मैं कारण जानना चाहता हूं। बीठलदास जी ने कहा प्रथम तो मुझे आवश्यकता नहीं है कि मैं इसका कारण आपको बताऊं, यह मेरी निष्ठा का प्रश्न है। अध्यात्म अध्यात्म बहुत बहुत निजी बात है आपकी, अध्यात्म आपकी निजता है, बलात् खींचकर हट से किसी को भजन के मार्ग में प्रवृत्त नहीं किया जा सकता। आग्रह से किसी को भजन में नहीं लगाया जा सकता, भजन में आग्रह नहीं, भजन में आचरण लगाता है। आग्रह से कोई भजन में नहीं लगता, आपके आचरण से कोई भजन में लग सकता है। तो ये महाराज मेरा निजी भाव है, ये मेरी निष्ठा है, ये मेरी आस्था है, इसके लिए मुझे किसी को उत्तर देने का औचित्य मालूम नहीं पड़ता। फिर भी आप राजगद्दी पर बैठकर मुझसे पूछ रहे हैं, मैं इस समय आपका सेवक हूं, नौकर हूं, तो आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताता हूं कि वृंदावन धाम रस रीति प्रवर्तक प्रकट प्रेम स्वरूप निखिल निगमागम अगोचर रस रीति विस्तारक
वंशी स्वरूप श्री हितरिवंश चंद्र महाप्रभु मेरे गुरु हैं, द्विभुज मुरलीधर राधा वल्लभ लाल मेरे इष्ट हैं, मेरे मन में किसी चार भुजा वाले कृष्ण के लिए कोई स्थान नहीं है, उर्मे बसे सांवल गौर और नहीं चतुर्भुज को कोई ठौर। अब राजा ने ऐसी बात जीवन में पहली बार सुनी थी, बोले शैव और वैष्णव का भेद तो हमने सुना था, चलो थोड़ा और आगे बढ़ जाएं तो राम और कृष्ण का भेद भी हमें थोड़ा समझ में आता है। आपकी दृष्टि में कृष्ण भी दो हैं क्या? आपने तो कृष्ण में भेद कर दिया। बोलते बोलते राजा का स्वर थोड़ा कठोर हो गया, राजा रुष्ट हो गया कि ये तो नितांत अधर्मयुक्त बात है, न किसी वेद में, न किसी शास्त्र में, न किसी पोथी में, न किसी पुराण में, कभी देखी नहीं, कभी पढ़ी नहीं, ये तो श्रुति संबद्ध भी मालूम नहीं पड़ता कि क्या क्या कृष्ण भी दो स्वरूप हो सकते हैं। मिठलदास जी ने कहा, महाराज मेरे रोम रोम में मेरे गुरु की कृपा से वृंदावन के रास विलास का, युगल के रास विलास का प्रकाश छा रहा है, मेरे मन में अब किसी और के लिए ठौर नहीं है, किसी और को बैठाने के लिए स्थान नहीं है। इंद्री शिथिल भई के सब विल जो देही बिन शीश रूधो सुर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश रूधो और नहीं जगदीश रूधो मन ना भय दसवे। कैशोराद्भुत माधुरी भर धुरीणांग छविम राधिकाम प्रेमोल्लास भराधिकाम निर्वधि ध्यायन्ति ये तद्धियः त्यक्ता कर्मभिरात्मनैव भगवत धर्मेप्यहो निर्मम सर्वाश्चर्य गतिम गताम रसमयीम तेभ्यो महद्भ्यो नमः। कैसा होता है रसिक, यद्यपि भगवत रसिक, रसिक की बात है, रसिक बिना कोई समझ सके ना। कैशोराद्भुत माधुरी भर धुरीणांग छविम राधिकाम जो तदगत हो चुके हैं, तद्वत हो चुके हैं, जो निरंतर ध्यान परायण रहते हैं, किसके जो ध्यान करते हैं, किसका? गौरांग मृदिमा स्मिते मधुरिमा नेत्रांचले द्राघिमा वक्षोज गरिमा तथैव तनिमा मध्ये गतौ च मंदिमा शून्याम च प्रतिमा भ्रुवो कुटिलिमा बिंबाधरे शोणिमा श्री राधे हृदि ते रसेन जड़िमा ध्यानेस्तु मे गोचरे। जो सतत ध्यान परायण है किसके? बनी वृषभानु नंदिनी आज भूषण वसन विविध पहरे तन प्रिय मोहन हित साज बनी विषभानु नंदिनी। जो जो इस रूप का तदगत होकर ध्यान करते हैं, ऐशोर अद्भुत माधुरी भर धुरीणांग छविम राधिकाम, जिनके रोम रोम में भर गया है ये रूप, ही में जु सांवरो आए बसो सिगरो जग सांवर सांवर सूझे। भराए जिनके रोम रोम में इस रूप का प्रकाश। कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मा। और ऐसे रसिक वेदोक्त कर्म को करें अथवा ना करें। गूढ़ाश्चर्य रसास्त्रगादि विषयान गृह्णन्तु मुञ्चन्तु वा कैर्वा भाव रहस्य पारगमति श्री राधिका प्रेयस है। जो राधा और माधव का, जो उनके इस परस्पर रास विलास का, जो इस छटा का, कैसी छटा? कनक बेली वृषभानु नंदिनी श्याम तमाल च
चढ़ी रसिकनी रस में रहत गढ़ी रसिकनी रस में रहत गढ़ी कनक बेल वृषभानंदिनी कनक बेल वृषभानंदिनी श्याम तमाल चढ़ी रसिकनी रस में रहत गढ़ी रसिकनी रस में रहत गढ़ी रसिकनी रस में रहत गढ़ी छकन छके जराधिका तीन्हे रसना चाख अंगूर फल कहानी बौरी खा। अरे छकन छके जे राधिका तिने न और सुहाए रसना चाख अंगूर फल कहानी बौरी खाए। जब उद्धव आए बोले उद्धव प्रियतम ने ये संदेश नहीं भेजा, प्रीतम अब कहते हैं जोगिनी हो जाओ, ये छाप और मुद्रा भेजी है प्रीतम ने। जो पे जोग कयो गोपिन जो पे जोग कयो गोपिन गत रस रास खिलाए तब ही क्यों ना जोग उपदेशो तब ही क्यों ना जोग उपदेशो अधर सुधार सुप्याए जोग सिखा। तो जोलो तोहे नंद को कुमार नहीं दीठ पर्यो तोलो तो भले बैठ ब्रह्म को विचार ले। ये इस रस रीति का विलक्षण प्रताप है। परिश्चाम श्रुति शेखरो परिचरण आश्चर्य चर्याम चरण आश्चर्य चर्याम चरण चकित कर देने वाला व्यवहार है यहां के रसिक जनों का, विमोहित कर देती है वेदों को शास्त्रों को यहां के रसिकों की रति मति गति। न जानीत लोकम न च निगम जातम कुल परंपराम वानो जानत अह न सताम चापि चरितम। लखी जिन लाल की मुस्कान तिने बिसरी वेद विधि सब पाठ पूजा ज्ञान। एक बार बीजुरी सी कौंध जाए अरे जन्म जन्मांतरों का उर अंतर का अंधकार दूर कर देती है प्रिया प्रीतम की मुस्कान। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं नेक ही सुहास, नेक ही सुहास सखी सार है बिलासन को। श्री राधा वल्लभ लाडली अति उदार सुकुमार ध्रुव तो भूल्यो औरतें तुम जिन देहु विसार, तुम जिन देहु विसार ठौर मोको कहू नाही पिय रंग भरी कटाक्ष नेक चित वो मोह माही। बड़े प्रीत की रीत बीच कछु होए न बाधा तुम हो परम प्रवीण प्राण वल्लभ श्री राधा। शायर कहता है महबूब के दर पे, महबूब के दर पे आशिक की नमाज अदा हो जाती है
और जो दिलबर सामने ना हो तो पड़ी हुई भी कजा हो जाती है। जिन नैनन ते घनश्याम लख्यो उन नैनन सो अब देखिए क्या। बिचलदास जी ने कहा महाराज मेरे रोम रोम में मेरे राधा वल्लभ लाल के रूप रस का प्रकाश हो रहा है, किसी चतुर्भुज कृष्ण के लिए मेरे हृदय में स्थान नहीं है।